हेलो फ्रेंड्स, माय नेम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास 10। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10 का लेसन नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशन करने से क्या बेनिफिट्स है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, अप्रॉक्स 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। जैसे कि क्लासिफिकेशन हमारे कई साइंटिस्ट ने कर रखा है, जैसे डोवर्नियर ट्राइड्स हैं, न्यूलैंड्स हैं और मेंडेलीव है, और आज हम जो यूज़ करते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों से क्या हुआ, जो हमारे एलिमेंट्स थे, जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स थे, उनको हमने एक सेपरेट फॉर्म में स्टोर कर दिया है, एक मेटल के फॉर्म में, नॉन मेटल के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। तो इसीलिए हम क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन इसीलिए रिक्वायर हुई हमको। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे हमारे डोवर्नियर, उन्होंने सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जो एलिमेंट्स को अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया। अब उन्होंने कैसे अरेंज किया, उन्होंने क्या बोला कि जो उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट और जो लास्ट एलिमेंट है, जैसा कि लिथियम और पोटेशियम, तो ये जो लिथियम है, लिथियम का जो एटॉमिक मास होगा और जो पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होगा, इन दोनों का एवरेज निकालने पे जो भी आएगा, जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू इस मिडल वाले एलिमेंट के मास से अप्रोक्सीमेट होगी, ठीक है, इक्वल नहीं होगी। उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है, उनका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट आएगी मिडल वाले वैल्यू के, ठीक है। तो हम इसको ट्राई करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर टेबल में लिख लिया है कि लिथियम का हमने 6.9 मास गिवन है, ये मैंने बुक में से लिखा है, बुक में गिवन है लिथियम का 6.9 है, हम इसको अप्रोक्सीमेट 7 ले लेते हैं, और इसका 39 है। तो लिथियम का हमने कितना ले लिया, 7, और पोटाशियम का कितना ले लिया, 39, ठीक है। हमें पता है कि सोडियम का 23 है, लेकिन हम अभी एवरेज निकालेंगे, 39 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, एवरेज ऐसे निकालते हैं, इक्वल में कितना आ जाएगा, 39 प्लस 7 46 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 23। तो हम ये देख रहे हैं कि जो टॉप वाला जो एलिमेंट था, फर्स्ट एलिमेंट, जो थर्ड एलिमेंट है, इन दोनों का एवरेज निकालने पर जो हमारा रिजल्ट आया है वो अभी तो अप्रोक्सीमेट नहीं, कैलकुलेटेड बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यानी ये वाला जो ट्रायड था वो एकदम ठीक था, यानी इसमें अच्छी वैल्यू आ रही थी इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब ऐसे ही हमने जब सेकेंड ट्रायड टेस्ट किया, सेकेंड में देखो कैल्शियम है टॉप पे फर्स्ट एलिमेंट, और थर्ड एलिमेंट है बैरियम, और जब हम इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो उसके अप्रोक्सीमेट होने चाहिए स्ट्रॉन्शियम के, ठीक है। तो चलो इसको ट्राई करते हैं। तो कैल्शियम की है, कैल्शियम, बैरियम और स्ट्रॉन्शियम। देखो कैल्शियम की जो मैंने वैल्यू लिखी है वो 14.1 है, ठीक है, हम इसको 40 ले लेते हैं, और बैरियम की 137.3, तो हम इसको 137 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको इक्वेट करेंगे, तो 137 प्लस 40 अपॉन में 2, ठीक है, वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये कितना आ जाएगा, 177 बाय 2, यानी कितना आ जाएगा, 2 8 16, ठीक है, 88, सो 88 स्ट्रॉन्शियम के आगे। तो हम ये देख रहे हैं कि जो 88 जो वैल्यू आई है, जो हमारी एवरेज वैल्यू आई है, जो हमारी एक्चुअल में जो वैल्यू है वो उसके अप्रोक्सीमेट है, ये 87.6 है और ये 88 आई है हमारी। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो डोवर्नियर का जो ट्रायड्स था वो लगभग 2 ट्रायड्स में तो ठीक रहा, लेकिन जब हमने इसका तीसरा ट्रायड टेस्ट किया तो इसमें काफी ज्यादा वेरिएशन आ गई, मतलब जो हमारी एवरेज वैल्यू आ रही थी वो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे काफी वेरिएशन में थी। इसी वेरिएशन के कॉज के कारण क्या हुआ कि इनका जो ट्रेड्स था वो फेल हो गया,
मतलब जो बाकी फर्दर जो एलिमेंट्स थे, जैसे डोवर्ने ट्राइड्स के टाइम में जो हमको एलिमेंट्स नोन थे वो 30 एलिमेंट्स थे। तो इन 30 एलिमेंट्स को इस ट्राइड के फॉर्म में अरेंज नहीं किया जा सका। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये स्टेप्स फॉलो नहीं हो पा रहे थे। जैसा इन्होंने बोला कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज मिडल एलिमेंट के अप्रोक्सीमेट होगा, लेकिन वो स्टेप फॉलो नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये जो ट्रेड था वो फेल हो गया। ऐसे ही डोवर्नियर्स के कुछ डिसएडवांटेज आ गए। तो डिसएडवांटेज यही है कि जिस समय जो 30 एलिमेंट्स जब अवेलेबल थे तो उनको इस फॉर्म में अरेंज नहीं किया जा सकता। फर्स्ट तो ये हो गया ड्रॉबैक। दूसरा ये है कि जब जैसे इनका जो तीसरा ट्रेड आया, फर्दर ट्रेड आ गया है, तो उसमें क्या हुआ, वेरिएशन काफी ज्यादा आने लगी। यानी जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे काफी ज्यादा वेरिएशन आने लगे। ठीक है, तो ये इनके ड्रॉबैक्स थे। जो फिर इसके बाद डोवर्नियर ट्रेड्स के बाद फिर एक नया रूल आया, वो न्यूलैंड्स का था। तो न्यूलैंड्स ने भी अपना रूल दिया, उन्होंने ऑक्टेव लो का दिया फॉर्मूला। अभी हम डिस्कस करते हैं। तो जो सेकंड साइंटिस्ट है हमारे पास, वो हमारे पास है न्यूलैंड्स लो। न्यूलैंड्स लो ने क्या दिया, ऑक्टेव लो। अब देखो इस ऑक्टेव लो का मतलब क्या है। ऑक्टेव का मतलब तो पता है हमें, एट होता है ना, कहीं ना कहीं ये एट से रिलेटेड है। तो इन्होंने क्या बोला कि हमने इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास में हमने टेबल अरेंज किया है। अब उसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट से लेके फर्दर जो एट एलिमेंट होगा वो उसकी प्रॉपर्टी उससे मैच होगी। मतलब क्या, जैसे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एलिमेंट्स, तो इन्होंने क्या बोला, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और फर्दर जो एट आएगा वो यहां आएगा। यानी इन्होंने क्या कहा, जो जिस भी फर्स्ट एलिमेंट से एट एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। यानी फर्स्ट और एट की प्रॉपर्टी सेम होगी। ऐसे ही सेम केस ये टू है, ये हम इसको फर्स्ट लेके चल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअली नंबर में क्या आना चाहिए, 9। ठीक है, तो यानी टू की प्रॉपर्टी 9 से सेम होगी। तो इन्होंने जब अपना टेबल ड्रॉ किया तो उन्होंने एक म्यूजिकली वर्ड में बोला, देखो तो इसमें देखो सा रे गा मा पा दा नी अगेन सा। यानी इसमें अगर हम नंबरिंग करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन और अगेन एट, है ना। तो यानी क्या हो रहा है कि जो भी एलिमेंट हम चूज करेंगे उसका जो एट एलिमेंट होगा वो उसकी प्रॉपर्टी से उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, कोई एलिमेंट यहाँ पे ए है, बी सी डी ई एफ जी और अगेन क्या आ जाएगा, एच, फिर आई जे के एल एम एन। तो ये क्या हो रहा है कि मतलब इन्होंने ये बोला कि ये जो एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। क्योंकि ये देखो अगर इसको हम फर्स्ट एलिमेंट लेके चलते हैं तो ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ, ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, तो ये फर्स्ट एलिमेंट से एट एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ऐसे ही अगर हम कंसिडर करेंगे कि ये फर्स्ट एलिमेंट, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, मतलब इसकी प्रॉपर्टी सेम हो। तो डोवर्नियर ने तो उन्होंने तो बोला था कि उन्होंने ट्राई का फॉर्मूला दिया था, फर्स्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट का एवरेज निकालेंगे तो मिडल वाले के अप्रोक्सीमेट आया। लेकिन न्यूलैंड्स ने क्या बोला कि जिस एलिमेंट को अगर हम चूज करेंगे उसका जो एट्थ एलिमेंट होगा उसकी सेम प्रॉपर्टी फॉलो करें। ठीक है, तो न्यूलैंड्स ने तो ये रूल दिया, लेकिन इनका भी रूल
ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, क्यों? जो फर्दर और एलिमेंट्स थे वो इनके रूल के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं हो सके। इनके टाइम में जो न्यूलैंड्स ने जब ये डिस्क्राइब किया तो उस समय जो एलिमेंट्स नॉन थे वो थे 56 56 एलिमेंट थे जब न्यूलैंड्स ने ये टेबल अरेंज किया। तो फिर जब इन्होंने टेबल बना लिया, जब परफॉर्म हुआ, तो इनके कुछ फिर ड्रॉबैक्स भी आए, ठीक है। तो उन ड्रॉबैक्स को देखते हैं हम। जो सबसे पहला ड्रॉबैक्स आया इनका कि क्या था कि इन्होंने ये भी कहा था कि हमारे जो नेचर में 56 एलिमेंट ही रहेंगे, इससे ज्यादा डिस्कवर्ड नहीं होंगे। तो पहला ड्रॉबैक तो यही है कि इन्होंने क्या बोला था कि 56 एलिमेंट ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं इसमें इन नेचर ओनली 56 लिखते हैं ड्रॉबैक, इन नेचर ओनली 56 एलिमेंट्स तो ये न्यूलैंड्स लॉ ने कहा कि जो नेचर में है वो 56 एलिमेंट ही रहेंगे, उससे ज्यादा डिस्कवर्ड नहीं होंगे। एंड नॉट विल बी डिस्कवर्ड। और ये किसने कहा था? इट इज सेड बाय न्यूलैंड्स, ये न्यूलैंड ने कहा, ठीक है। और उसके बाद जो इनके ड्रॉबैक्स हैं कि इन्होंने क्या किया, एक ही प्लेस में दो दो एलिमेंट्स अरेंज कर दिए गए। मतलब जो एक एलिमेंट ये था, जो फर्दर जो एलिमेंट्स आए थे उन्होंने एक के साथ एक एलिमेंट्स ज्वाइन कर दिए गए। मतलब क्या था कि जो एलिमेंट्स थे जो सिमिलर में थे उसको अलग अलग कर दिया गया, और जो सिमिलर नहीं थे उनको भी एक साथ रख दिया गया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि अगर एम एन आएगा तो ओ आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे पी यहाँ आना चाहिए था, उन्होंने क्या कर दिया, उनको यही रख दिया था इसी के साथ। बल्कि जबकि ये इससे डिसिमिलर था फिर भी इसको एक ही स्लॉट में रख दिया गया। तो ये भी इनके ड्रॉबैक्स थे, डिसिमिलर्स को इन्होंने एक स्लॉट में रख दिया, सिमिलर्स को भी एक ही स्लॉट में रख दिया, और इन्होंने बोला था कि 56 एलिमेंट ही रहेंगे, इससे ज्यादा डिस्कवर्ड नहीं होंगे। तो ये न्यूलैंड्स लॉ का था। जो फिर फर्दर जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो थे मेंडलीव। मेंडलीव ने काफी अच्छा टेबल दिया उन्होंने, उन्होंने काफी एडवांटेज भी है और देखते हैं डिसएडवांटेज भी होंगे। मेंडलीव लॉ की बात करते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पहले एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया, इन्होंने पहले देखा कि कौन सा एलिमेंट उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसको प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको अरेंज किया गया। इन्होंने यही किया कि इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली इसको अरेंज किया गया एलिमेंट्स को। पर उन्होंने क्या किया, जैसा न्यूलैंड्स ने किया था कि उन्होंने क्या बोला कि हर एट्थ एलिमेंट उसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल प्रॉपर्टीज शो करेगा, लेकिन इन्होंने क्या किया कि प्रॉपर्टीज अगर एक ही, जैसे कि कोई एक एलिमेंट ये था ए, तो अगर कोई एलिमेंट पी था तो उन्होंने क्या देखा, जो ए की प्रॉपर्टी है वो पी से मैच हो रही है, तब जाके उनको इस सीरीज में रख दिया गया। ऐसी अगर कोई एक बी एलिमेंट था तो अगर कोई अनदर डी से मैच हो रहा है तो उसको एक ही ग्रुप में रख दिया जाता था। तो मेंडलीव ने ऐसे करके अपना इस लॉ को यूज करके अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था। और इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने जब टेबल अपना ड्रॉ किया था, जो इन्होंने टेबल अपना बनाया, तो इन्होंने क्या किया था, कुछ स्पेसेस छोड़ दिए थे। तो ये स्पेसेस इन्होंने क्यों छोड़े,
इन्होंने इसलिए छोड़े क्योंकि इन्होंने बोला था कि अगर इन नेचर में फर्दर कोई और एलिमेंट डिस्कवर्ड हो तो उनको यहाँ पे पुट किया जा सके। तो इन्होंने लगभग 3 एलिमेंट्स की जगह छोड़ी अपने टेबल में, जिन्होंने इन्होंने बोला था कि नेचर में अगर कोई एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे तो उनको यहाँ पे एग्जिस्ट किया जा सके। ठीक है, और हाँ, ऐसा फिर 3 एलिमेंट्स आए भी जिनको फिर इसकी जगह एग्जिस्ट किया गया है। तो मेंडलीव का तो ये एक एडवांटेज है कि इन्होंने फ्री स्पेस छोड़ा ताकि जो और नए एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे फिक्स किया जा सके। फिर इसका एक डिसएडवांटेज था कि डिसएडवांटेज क्या है, जो पहला डिसएडवांटेज तो ये है जो हाइड्रोजन गैस है जो नोवल गैस है उसको हम इस टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को इस जो टेबल था, जो मेंडलीफ का लॉ का जो टेबल था, इसमें इसको एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। तो मेंडलीफ लॉ के एडवांटेज भी ज्यादा थे और डिसएडवांटेज इनके एक ही दो थे, जो इन्होंने बताया अपने टेबल में कि जो इनका लॉ था, जो इनका पीरियोडिक टेबल था, इन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली ही इन्होंने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किए और इन्होंने फ्री स्पेस भी छोड़ा ताकि अगर कोई एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो तो उनको इसमें पुट किया जा सके। तो ये थे हमारे 3 लॉ, डबर्नियर ट्रेड्स, न्यूलैंड्स लॉ और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पर हम आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में।